उनके लिए जाने मत जाओगे। आड़ा ला जाओ बम्बे उन्ना आशु बोला खाओ बम्बे आगे फुट गया। आप देख सकते हैं किसानों के ऊपर आंसू गैस के घोड़े छोड़े गए। सीएम खट रहा था, किसान विरोध कर रहे थे, आंसू गैस के घोड़े छोड़े गए, जिसको लेकर आप देख सकते हैं काफी गंभीर चोटें किसानों को आई है। ये किसान है, इनको भी चोट आई है। कितने किसान थे वहाँ पर मौजूद? लेकिन नारे नारे करके देखे आज भी डंडे लग लग के नूर। अच्छा, लाठियां बरसाई गई। हाँ, तो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन ने बहुत ही घटिया काम किया है, लाठियां बरसाने का काम किया है किसानों के ऊपर। जिस प्रकार से किसान विरोध करते हैं आज लाठियां बरसाई गई किसानों के ऊपर। लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार जगह जगह पे लखवा रही है, जगह जगह पे मुकदमे बना रही है, और उसके बावजूद भी आप लोगों का हौसला जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब अति हमारी है, जो भी पंचायत कही थी और उसमें फैसला लिया गया है, ये फैसला लिया गया है कि अभी पूरे हरियाणा में 2 घंटे के लिए रोड जाम करवा दी। और हम सभी साथी जो यहाँ बैठे हैं, हम अभी चल के आईजी का घेराव करें, और अगर फिर भी सरकार ना मानी तो कल 11 बजे पूरे हरियाणा के अंदर सभी थानों का घेराव कर दिया जाए। ये फैसला सभी को मंजूर है तो आप करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ मैं एक बात ये बताना चाहूंगा, बेनती करना चाहूंगा कि हमारा फैसला है कि पुलिस जो मर्जी हमारा कर। हम ये कह के आईजी के दफ्तर पे जा रहे हैं और ये कह के थानों का घेराव करेंगे कि आपके पास जो ताकत है वो हमें, वो आप अपने लगा ले, जितने लठ मार सकते हैं हमें मारें, हम खाएंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम उनके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। वो जितने लठ मारे हमारे, हम उनकी ताकत देखेंगे। दूसरी बात, अभी जब आईजी के आगे जाएंगे तो मैं बेनती ये करूंगा कि सबसे आगे प्रधान लोग रहेंगे, बाकी लोग पीछे रहेंगे, जो प्रधान लोग हैं वो सारे आगे रहेंगे, ताकि सबसे पहली लाठियां लगे तो उनको। तो ये फैसला वहां लिया गया है, मंजूर है सभी को।